हाँ बच्चों, आज का विषय है जीवों में जनन, और यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। यह टॉपिक आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और सभी वन डे एग्जामिनेशन, एसएससी, यूपीएससी और यूपीएससी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन कन्फर्म इससे आता है। तो पहले हम आपसे बात करते हैं कि जीवों में जनन क्या होता है, जनन क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो पहली बात आपसे करते हैं बच्चों कि जीवों में जनन क्या है। तो आपको पता है कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी संततियों को जन्म देता है, अर्थात अपनी जाति के सदस्यों को उत्पन्न करता है, यानी अपने जैसा पैदा करना ही जनन कहलाता है। हमारी बात समझ गए? आपको पता ना कि इंसान के बच्चे इंसान होते हैं, कुत्ते के बच्चे कुत्ते होते हैं। तो अपने जैसे संतान उत्पन्न करना, जैसे हम हैं ऐसे ही पैदा करना है। अब इंसान का बच्चा कुत्ता तो हो नहीं सकता, पता है आपको, वो अलग बात है। लड़कियां कहते हैं कि कुत्ता कहीं का, वो बिहेव पे कहती हैं, ठीक है ना। तो आप इतना ही याद रखिएगा कि जीवों में जनन यानी जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संततियों को जन्म देता है, अर्थात अपनी जाति के नए सदस्य उत्पन्न करता है, उसे हम जीवों में जनन कहते हैं। ठीक भैया, अब बात आपसे करते हैं कि जनन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, तो जीवों में जनन मुख्य रूप से बच्चों तीन प्रकार का होता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहला होता है कायिक जनन, कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अर्थात काया में होने वाले जनन को कायिक जनन कहते हैं, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि कायिक जनन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि कायिक जनन या प्रजनन नए पौधे के निर्माण की एक विधि है, और पौधों में बीजों के अतिरिक्त मात पौधे से किसी भी वर्धी या कायिक अंगों अंगों द्वारा प्रजनन या पुनरुद्भवन की प्रक्रिया को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। विजिटेटिव रिप्रोडक्शन और विजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो बच्चों ये कायिक जनन है, और कायिक जनन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। तो आपसे बात करें प्राकृतिक यानी नेचुरल में, प्रकृति विधियों के माध्यम से जो स्वयं के द्वारा होता है, उसमें किसी के द्वारा नहीं किया जाता, तो प्राकृतिक कायिक जनन है। और यह निम्न विधियों द्वारा होता है। जड़ों द्वारा जनन, जब जनन की क्रिया जड़ों के द्वारा होती है, जड़ों के टूटने से या जड़ों को काट कर बनाने से होती है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम जड़ों द्वारा जनन कहते हैं। जैसे शकरकंद, डहलिया, शकरकंद घुइया यार, ठीक है ना, और डहलिया भी जानते हैं आप। और दूसरा होता है बच्चों तनों द्वारा जनन, जब तने के माध्यम से, है ना। पहला जड़ द्वारा जनन। अगर एक क्वेश्चन आया है आपका एग्जाम में, यूपी बोर्ड में भी आया है कि जड़ किसे कहते हैं, तो आप बताइए कि पौधे के मूलांकुर से विकसित भाग को जड़ कहते हैं, पौधे के मूलांकुर से विकसित भाग को जड़ कहते हैं, और पौधे के प्रांकुर से विकसित भाग को तना कहते हैं। ठीक भैया, तो यह तनों द्वारा जो जनन होता है ना, यानी रिप्रोडक्शन बाय हेल्प ऑफ स्टेम, यह 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? 8 प्रकार का होता है। और इसमें आपको बता दें कि 8 प्रकार का जो होता है ना, उसमें पहला है प्रकंद। ये एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रकंद। एग्जाम में कभी कभी एसएससी में क्वेश्चन आता है कि अदरक क्या है, अदरक क्या है, तो आपको उसमें दे देगा राइजोम है, कार्न है, बल्ब है, ट्यूबर है, तो आपको टिक करना होता है, तो आप उसमें राइजोम लगा लीजिएगा, राइजोम सही है। तो बच्चों ये राइजोम एक प्रकार से राइजोइट्स है,
जिसको जड़ नहीं कह सकते लेकिन जड़ का ही पार्ट माना जाता है। तो प्रकंद आपका हल्दी है और अदरक है, ठीक है ना। दूसरा है घनकंद, घनकंद यानी कि जिसको हम लोग जिमीकंद के नाम से जानते हैं, और ये आपका घनकंद कहलाता है, ठीक भैया। तो ये घनकंद होता है और इसमें आता है जिमीकंद। क्या आता बच्चों? जिमीकंद। तीसरा है बल्ब, जिसको बोलते हैं शकरकंद। शकरकंद तो खाए होंगे आप लोग, और शकरकंद में आता प्याज और रजनीगंधा। प्याज ओनियन जानते हैं आप लोग, वो टॉप प्रकार के इसमें पाया जाता है आपका माइटोसिस सेल डिवीजन। और बच्चों हमने लगभग आपको 50 एनिमल और 50 प्लांट का वो साइंटिफिक नेम बताया है, वैज्ञानिक नाम इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा होता कंद, कंद माने ट्यूबर, ट्यूबर माने क्या होता है? आलू। आप जानते ना कि आलू में अभी चित्र बनवाए थे ना कि उसमें जो है ऑलरेडी क्या होता है कि अखुआ निकलता है और वही विकसित होके उसमें जो है एक कोटलेडेंस बनाता है और वही काट के हम लोग लगा देते हैं। आलू है, और आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? सोलनम मिलेनोजिना, है ना। सोलनम ट्यूबिरोसम, सोलनम ट्यूबी रोशम आलू है, और सोलनम मिलेनोजिना आपका बैगन है, और लाइकोपर्स्कम एस्कुलेंटम टमाटर है, बताया ना आपको। तो बच्चों आलू है, और आलू मुख्य रूप से ये नई दुनिया का पौधा है। कहाँ का पौधा है? नई दुनिया का। और नई दुनिया बोले तो अमेरिका, यानी आलू कहाँ से आया है? अमेरिका से। और आज इसका उत्पादन अधिकतर कहाँ हो रहा है? इंडिया में, ठीक भैया। तो ये आपका है, और अगला है अंता भूस्तरी, तो शुकर्स कहते हैं। शुकर्स माने होता है चूसक जड़ एक प्रकार से। तो ये पुदीना में होता है, किस में होता है? पुदीना में। तो ये अंता भूस्तरी होता है पुदीना में। और एक होता है ऊपरी भूस्तरी, जो ऊपर रनर होते हैं, और आप जानते हैं कि ऐसे सीधे सीधे यानी कि सरफेस पर योग होते हैं, और इसमें आपका दूब घास है। दूब घास जानते ना, जिसको मुटकी दूब बोलते हैं। और ब्राह्मी ब्यूटी, और ब्राह्मी ब्यूटी का बूटी का प्रयोग करते हैं मस्तिष्क को, मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने में, ठीक है ना। तो ये है बच्चों, और दूब में आपको बता दें दूब घास बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। बोलते हैं ना लोग कभी कभी कि पढ़ लिख के घास चरता है, तो घास चरने का मतलब ये कि दूब घास से मतलब है। दूब घास एक दुनिया की सबसे पौष्टिक चीज होती है, जिसमें पाया उसके स्टेम में फोलिक एसिड पाया जाता है। और फोलिक एसिड करता क्या है? आपकी लंबाई बढ़ा देता है, आपकी बॉडी में सेक्स पावर बढ़ा देता है, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ा देता है, और आपको एक्टिव बना देता है, ठीक है ना। इसलिए लोग खाते हैं, और भगवान गणेश जी को भी दूब चढ़ता है, आप जानते तो हैं आप लोग, है ना। अगला बच्चों भूस्तरी कहते हैं, स्टोलन कहते हैं, और इसमें स्टोलन के अंदर क्या आता है? अरबी और केला आता है। अरुई जानते ना, अरबी और केला आता है। केला तो समझते हैं आप लोग, है ना। तो ये केला है, और मूसा स्पीसीज जिसके होता है साइंटिफिक नेम। और अगला बच्चों भूस्तरिक, और इसमें समुद्र शोक है, ये एक प्रकार से घास है, और जो समुद्र के लिए समस्या बनी हुई है बोलते हैं समुद्र शोक। और अगला है पिष्टिया। पिष्टिया आप देखे होंगे, तालाब में कभी जाइए ना तो काई होती है, छोटा सा दबाते पिट पिट बोलती है, वो बोलते हैं पिष्टिया। एल्गी है बच्चों, है ना, शैवाल यार, एल्गी माने शैवाल होता है। पत्र प्रकलिकाओं की बात करते हैं, तो पत्र प्रकलिकाओं द्वारा बाइबल्बिस होता है, तो लहसुन और प्याज होते हैं। लहसुन क्या होता है? एलियम गार्लिक, लहसुन का वैज्ञानिक नाम है, और एलियम सिपा प्याज बोलते हैं, है ना। एक क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है कि बच्चों प्याज को काटने पर आंखों में आंसू क्यों आता है, और इंटर में भी आया हुआ है। तो प्याज को काटने पर आंखों में आंसू आता है ना, उसकी वजह सल्फर है, क्योंकि प्याज के रस में सल्फर होता है, और सल्फर जो है जब आंखों में लगता है ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लहसुन बता दिए ना, लहसुन प्याज बहुत मोस्ट पौष्टिक चीज़ है बच्चों, और लहसुन प्याज जरूर खाना चाहिए। लहसुन प्याज जितना खाएंगे उतना आपका नर्वस सिस्टम मजबूत होगा, और लकवा मारने की संभावना नहीं रह जाएगी। इस तरह से आपका ये जो है हाँ। और फिर बता दें आपको, पत्तियों द्वारा कह रहे थे, बाई लीव्स द्वारा कह रहे थे बच्चों। तो पत्तियों द्वारा अगर हम बात करें तो बता दें आपको कि बाई लीव्स द्वारा बायोफिल्लम और बिग्नोनिया है ना। तो बायोफिल्लम और बिग्नोनिया दो ऐसे पौधे हैं जिसमें पत्तियों के माध्यम से क्या होता है? कायिक जनन होता है,
सोमैटिक सेल डिवीजन होता है यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और वृद्धि जनन हमेशा निम्न कोटि के पौधे में होता है बच्चों। कहाँ होता है? निम्न कोटि के पौधे में होता है, उच्च कोटि के पौधे में नहीं होता, निम्न कोटि के पौधे में होता है। तो बायोफिल्लम और बिग्नोनिया है। तो एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं स्लाइड, हम जरा सा देख लें आप लोग। प्राकृतिक कायिक जनन बच्चों यह निम्न विधियों द्वारा होता है। जड़ों द्वारा होता है जनन, शकरकंद डहरिया में, तनों द्वारा जनन होता है, और ये आठ प्रकार का होता है। प्रकंद, हल्दी, अदरक, घनकंद, जिमीकंद और शलकंद, प्याज और रजनीगंधा, रजनीगंधा जानते ना, और कंद आलू है बच्चों। अंतः भूस्तरीय में पुदीना है, ऊपरी भूस्तरीय में रनर में दूब घास ब्रह्मी बूटी है, भूस्तरीय में अरबी और केला है, भूस्तारिक में समुद्र शोक पिष्टिया है, पत्र प्रकलिकाओं में आपके लहसुन और प्याज है। क्योंकि आप लोग लहसुन प्याज की वो पत्तियाँ खाते ना, अरे सागा प्याज जानते बच्चों, और लहसुन की पत्तियाँ खाई जाती हैं। तो प्रतिप्रतिकलिकाएँ होती हैं, बायोबल्बिल्स होते हैं, मोटी मोटी पत्तियाँ होती हैं, और पत्तियों द्वारा बायोफिल्लम बिग्नोनिया की बात करते हैं। अब आपसे हम बात करते हैं बच्चों कृत्रिम कायिक जनन की, जिसको कृत्रिम विधियों द्वारा कराया जाता है, तो ये कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है, है ना? तो कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है, आपको बता दें। तो इसमें आपका है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, यानी कि वह जनन जिसको हम कृत्रिम विधियों के माध्यम से मानव अपने हिसाब से कराता है, उसको बोलते हैं हम कृत्रिम कायिक जनन, है ना बच्चों? तो यह इन विधियों द्वारा होता है, जैसे कलम लगाना। और आजकल देखिए बारिश का सीजन चल रहा है ना, और अभी आप जानते भी हैं कि जुलाई में मनाया गया आपका एक सप्ताह मनाया गया था, पौधा सप्ताह 1 से 8 जुलाई तक। और बच्चों कलम लगाने की कटिंग की बात करते हैं ना, तो गुलाब है और गन्ना है। गुलाब को आप लोग अक्सर काट काट के लगा देते हैं, गुलाब की टहनी में जहाँ बढ़ रहती काट के लगा देते हैं। और गन्ना भी क्या करते हैं, एक पेड़ को काट के कई उसमें जो है बनाते हैं आप, कटिंग बनाते हैं, और गन्ना भी लगाया जाता है। तो भाई कटिंग के माध्यम से हम लोग कृत्रिम विधियों से लगाते हैं। दूसरा है रोपण यानी ग्राफ्टिंग, तो रोप देना, रोपाई करना। तो इसमें बच्चों आम और नींबू है, है ना? और एक क्वेश्चन आता है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताएंगे सिट्रिक एसिड। कौन सा अम्ल? सिट्रिक एसिड। अगर बच्चों नींबू ना खाया जाए तो आपको एक रोग हो जाएगा जिसका नाम है स्कर्वी रोग। क्या हो जाएगा भैया? स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग जो है ना, इसमें होता क्या है कि मसूड़े में सूजन आती है और दबाने पर ब्लड निकलता है, है ना? तो एक क्वेश्चन आया एग्जाम में आपके, हाई स्कूल वाले में आया है कि एक बच्चे के मसूड़ों में सूजन है और दबाने पर रुधिर निकलता है, बताइए उसे कौन सा रोग हुआ है? तो आप क्या बताएंगे? स्कर्वी रोग हुआ है। ठीक है बच्चों, और इसका इलाज के लिए आप नींबू खाइए, सिट्रिक एसिड, या बाजार चले जाइए, डॉक्टर के यहाँ मांग लीजिए, सिलीन दे दीजिए, तो सिलीन दे देगा, विटामिन सी की गोली बच्चों। अगला है शाखा बंधन, यानी शाखाओं का बंधन करते हैं, और इसमें एक शाखा से दूसरी शाखा में लगा देते हैं, जैसे लीची है, अभी बताया था ना क्लास में आपको लीची। और लीची में क्या खाया जाता है और क्या बताइए? लीची में एरिल खाते हैं, एरिल है ना, अमरूद में संपूर्ण फल, पाइसीडियम गुआजावा इसका वैज्ञानिक नाम है अमरूद का। करी लगाना, बडिंग करना, बडिंग समझते ना कि जैसे बडिंग हाइड्रा में भी होता है, जंतुओं की बात कर रहे थे, और बड निकल आती, जिसे आपको बताया ना बड का, आपको भी हमने बताया था उसमें आपका ये जो है बच्चों ये पावरोटी बजानते ना ईस्ट जार, उसमें बडिंग की गई थी। और आलू में बड निकलते हैं, अंगूर में, संतरा में, बताया ना आलू में तो बड निकलता है, काट काट लगा देते हैं, अंगूर में भी होता है, संतरा में भी होता है। अगला है दाब लगाना, यानी कि फलदार और सजावटी पौधे में लैरिंग्स करते हैं, उसको दाब के काट के कादे से जोड़ के दूसरे प्लांट से जोड़ देते हैं, ये दाब लगाना कहलाता है। गूठी बांधना, यानी गूठी बांधना, उसको काट काट के गूठी लगाना, जैसे लीची है, गूठी बांधना मतलब कि गोटी की तरह काट लेते हैं, काट के बाद उसको किसी प्लांट के स्टेम से लगा देते हैं, जिसको लौकाट होता है बच्चों, लीची होता है। लीची आप खाए हैं, लौकाट भी जानते हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है ना? अगली बात करते हैं बच्चों आपसे, तो अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन बाद में रखते हैं बच्चों, पहला आपका वृद्धि जनन है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा आपका है अलैंगिक जनन जिसको बोलते हैं अलिंगी जनन, और बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना? और एग्जाम में बहुत आता भैया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो निम्न विधियों द्वारा होता है बच्चों, द्विभाजन, बेनिफिशन, है ना? सीधे बता सकते हैं कि द्विभाजन जब अनुकूल परिस्थितियों में, जब परिस्थितियां क्या हों आपके, अनुकूल हों, अनुकूल समझते हैं ना, अरे जब भोजन पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा तभी तो अनुकूल परिस्थिति, सुटेबल कंडीशन। सुटेबल माने क्या? अनुकूल परिस्थितियां। अनफेवरेबल कंडीशन जब प्रतिकूल परिस्थितियां हों,
अनुकूल परिस्थितियों में पौधा क्या करता है, अपनी बॉडी को दो भागों में तोड़ देता है। जैसे अमीबा अमीबा होता है ना भैया, तो अमीबा में क्या होता है, डिवीजन होता है, तो एक सेल इधर बन जाएगी, एक सेल इधर बन जाएगी, तो द्विभाजन यानी बाइनरी फिशन। तो यानी कि एक कोशिका का दो कोशिकाओं में बट जाना कहलाता है द्विभाजन, जिसको बोलते हैं बाइनरी फिशन, जैसे युगलीना में और अमीबा में। और आपको हम बताए थे ना अमीबा क्या है, अमीबा प्रोटियस। अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या बच्चों, अमीबा प्रोटियस। किस संघ का प्राणी है, प्रोटोजोआ का। और क्या उस दिन बताया था आपको, 10 संघ ना, कौन कौन संघ है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटेलमेंथीस, एस्केलमेंथीस, एनलिडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा और कार्डेटा। और आपको एक बता दें कि एक इसमें एक वीडियो है आपका ओपन क्लास प्रयागराज में ही, 10 संघ के अलग अलग उदाहरण बताए गए हैं, 10 संघ के अलग अलग उदाहरण बताएंगे जो टीजीटी पीजीटी लेवल का है, यानी हर एक संघ के 10 उदाहरण बताए गए हैं। और आप देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, संघ से संबंधित वीडियो पढ़ा हुआ है। तो इसमें युगलीना आ गया, और युगलीना होता ना, युगलीना एक ऐसा प्राणी होता बच्चों कि जिसमें जिसको है इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है, और क्लोरोफिल के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाता है ना, युगलीना होता है ऐसे, और इसमें अपना भोजन स्वयं बनाता है, क्लोरोफिल होता है इसमें, ठीक है ना, इसमें एक तरह से ऐसे होता है, जिसको फ्लैजला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैजला, ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। और इसको जंतु और पौधे के बीच कड़ी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है 12 में कि जंतु और पादप के बीच की संयोजी कड़ी, कड़ी किसे कहते हैं, संयोजी कड़ी, कनेक्टिंग लिंक, है ना। अगर आपसे कोई पूछे संयोजी कड़ी किसे कहते हैं, तो बताइए कि दो प्राणियों या दो समूह या दो संघों को जोड़ने वाले प्राणी को हम संयोजी कड़ी कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो युगलीना एक ऐसा प्राणी है जो जंतु और पौधे के बीच में संयोजी कड़ी माना जाता है ना। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, युगलीना वेरी डिस, युगलीना वेरी डिस, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अगला है बीजाणु जनन, जब बीजाणुओं के माध्यम से जनन की क्रिया होती है ना, तो उसको बीजाणु जनन कहते हैं। आप बता सकते हैं कि जब परिस्थितियां फेवरेबल होती हैं, अनुकूल होती हैं, तो समय ये प्राणी जो है बीजाणु का निर्माण करते हैं, या पौधे में बीजाणु बनता है, और जब बीजाणु बनता है ना, तो उसी को हम बोलते हैं बीजाणु जनन। बीजाणुओं के माध्यम से जनन जब होता है, बोलते हैं क्या, बीजाणु जनन। जैसे यूलोथिक्स, यूलोथिक्स बच्चों जानते हैं ना, ये आपका शैवाल है, क्या है, एल्गी है ना। बताए थे आपको कि बॉटनी में 5 होते हैं मेन, पहला एल्गी, दूसरा फंगी, तीसरा टेडोफाइटा, चौथा ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। 6 प्रकार की बुक पढ़ेंगे, 6 आपके 12 में है भैया, और बीएससी में जाएंगे ना तो ये अलग अलग हो जाएगा, बैक्टीरिया वायरस एंड फंगी हो जाएगा, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 बुक बनेगी। तो बच्चों यूलोथिक्स है, और यूलोथिक्स में गैडिल शेप्ड जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, मेखलाकार, है ना। स्पायरोगायरा में रिबन के आकार का पाया जाता है, बताएंगे उसको आपको। अभी यहाँ देखिए मुकुलन, मुकुलन माने बड बनना, बडिंग, है ना। जैसे ईस्ट में बताया था ना, ईस्ट में बड बनती है, तो आपको बता दें कि जैसे बात करें ईस्ट में, तो आपको बताया गया ना कि बच्चों जैसे ये आपका है ईस्ट है, यहीं पे ये बड बन गई थी छोटी सी, तो यही डेवलप करके क्या करती है, ये केंद्रक है इसका, और ये छोटी इसको उसका, और यही बाद में क्या होती है, यहीं से डिवाइड हो जाती है, और जब डिवाइड हो जाती है ना, तो 2 डाटर सेल बनाती है, एक छोटा सा ऐसा बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं 2 डाटर सेल, है ना। तो ईस्ट में पाया जाता है, और ईस्ट जानते हैं ना, खमीर खाए होंगे, खुरमा खाए होंगे आप लोग, वही ईस्ट है बच्चों, है ना। अगला है कलिका, जेमूल बनना, और कलिकाओं के माध्यम से जो है जनन की क्रिया होती है, और कलिका में एक प्रकार से इसे जेमूल से बनते हैं, वही टूट के एक नए पौधे को जन्म देते हैं। और बच्चों है फ्यूनेरिया है, इसमें उदाहरण क्या, फ्यूनेरिया है, और फ्यूनेरिया का ऐसा पौधा होता है ना जिसमें 32 दांत होते हैं। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, हमने बताया आपको कि कौन सा पौधा जिसमें 32 दांत होते हैं, तो फ्यूनेरिया में आपका 16 ऊपर 16 नीचे, और ये दांत क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, अर्थात आर्द्रता ग्राही होते हैं। जब मौसम आर्द्र होता है ना, तो इसका मुख खुल जाता है, और दांत के द्वारा ये जो पदार्थ होते हैं उसको ग्रहण कर लेता भोजन, और जब मौसम गर्म होता है बंद कर लेता है। तो इसमें आपके फ्यूनेरिया में 32 दांत होते हैं, है ना। फिर अगला बच्चों है खंडी भवन, खंडी भवन यानी कि जब कोशिकाएं कई खंड में टूट जाती हैं, तो उसको बोलते हैं खंडी भवन, अर्थात बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज दोज प्रोसेस इन विच द सेल इज डिवाइडेड इनटू वन देन मोर पार्ट, है ना, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं।
और बच्चों खंडी भवन खंड खंड में टूट जाता है, और ये होता है किसमें, स्पायरो गायरा में। किसमें होता है बच्चों, स्पायरो गायरा में। स्पायरो गायरा आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे सेल बनती है इसकी, है ना, स्पायरो गायरा में। रिबन के आकार का क्लोरोप्लास्ट होता है, देखिएगा बॉटनी में है आपके बुक में, और स्पायरो गायरा में रिबन के आकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और खास बात आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट SSC के लिए है बच्चों, और इंटर में क्वेश्चन आया हुआ है कि तालाब का रेशम किसे कहते हैं, तालाब का रेशम किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा स्पायरो गायरा को, स्पायरो गायरा को तालाब का रेशम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पायरो गायरा में ये जनन पाया जाता है, और ये कई भाग में टूट के एक स्पायरो गायरा से कई स्पायरो गायरा का निर्माण करता है ना। और बच्चों यूरोथिक्स बताया ना, गैडिल शेप्ड होता है, यूरोथिक्स में होता है। और आपको उन्होंने बताया था रीजनरेशन, पुनरादुभवन, तो सबसे ज्यादा पुनरादुभवन जो होता है यानी कि एक कोशिका का टूट कर कई कोशिकाओं में बन जाना पुनरादुभवन कहलाता है। और पुनरादुभवन की क्रिया सबसे ज्यादा होती है प्लेनेरिया में, किसमें होता है, प्लेनेरिया में। और एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आया हुआ है PCS में बच्चों, कि आपका कौन सा प्राणी है जो तलवार की धार के नीचे जिंदा रहता है, कौन सा प्राणी है जो तलवार की धार के नीचे भी जिंदा रहता है, तो आपका प्लेनेरिया है ना। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है रीजनरेशन, तो प्लेनेरिया में। और सबसे कम पुनरादुभवन कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क की कोशिकाओं में यानी ब्रेन सेल में सबसे कम पाया जाता है क्या, रीजनरेशन यानी पुनरादुभवन, ठीक है बच्चों। और हाइड्रा में होता है, 8-7 सिर वाला हाइड्रा बनाया गया था, कहानी सुनाया था ना आपको कि हाइड्रा का नाम हाइड्रा नामक राक्षस की वजह से पड़ा था, ठीक है ना, और उसी के नाम से इसका नाम हाइड्रा रखा गया था, ठीक भैया, ग्रीक के समुद्र में एक राक्षस था उसी का नाम हाइड्रा था। इस तरह से बच्चों आपका अलैंगिक जनन हुआ। और अलैंगिक जनन में एक खास बात है बच्चों, छठवां पॉइंट आपको बता दें, क्लोनिंग होती है। क्या होती है बच्चों, क्लोनिंग होती है, और ये क्लोनिंग जो होती है ना, क्लोन बनते हैं इससे, और क्लोन की खोज वैज्ञानिक जो है इवान मालमुट ने किया था, और डाली नामक भेड़ को क्लोन के रूप में बनाया गया था, लेकिन क्लोनिंग का परमिशन न होने की वजह से आज क्लोनिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया है, ठीक है ना। तीस तरह से आपका एसेक्सुअल में आपने 6 मेथड देख लिया। अब आपसे हम बात बच्चों करते हैं अगले टॉपिक की, तो इस तरह से आप स्लाइड ले देख सकते हैं बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, और स्लाइड भी आपको दे दे रहे हैं जैसे आप वीडियो को जो है पुश करके आप स्लाइड के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से है आपका। अब बात किया हमने आपसे वर्धि जनन की बात किया, और दूसरा हमने बात किया आपसे भैया अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और आपको बताया था ना जनन 3 तरह का होता है। पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक ना भैया। तो दो आपके यहां पे हो गए इस स्लाइड में, एक हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा आपका हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपसे हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसको डायग्राम के माध्यम से बच्चों समझते हैं हम लोग, डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं, है ना। तो देखिए जरा सा लैंगिक जनन क्या है, तो लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें दो विकसित प्राणी भाग लेते हैं, उसको लैंगिक जनन कहते हैं, सेक्स कहते हैं लैंगिक, यानी कि लैंगिक जनन द्वारा गुणसूत्रों की संख्या का स्थिरीकरण बात करें। देखिए जनन मैथुन निषेचन अलग अलग प्रक्रिया है, मैथुन क्रिया में दो सक्रिय प्राणी भाग लेते हैं, जैसे इंसान होता है या गैया भैंसिया, सांड गाय का सेक्स होता है, भैंस और आपका उसका जो भैंसा का सेक्स होता है, ये कोपुलेशन कराता है, मैथुन कहलाता है। और जनन में क्या होता है कि दो प्राणी टच करते हैं, है ना, और निषेचन में क्या होते हैं कि उसमें थोड़ा सा यानी कि जैसे मेढक में निषेचन क्रिया होती है, तो मेढक सेक्स करता है, उसके बाद फिर मेढक मेढकी में क्लोएका, तो वजाइना होती नहीं, ये क्लोएका में अंगुली के माध्यम से करता है। मेढक में आप जानते ना उसमें लिंग नहीं होता, 4 उंगलियां होती हैं, एक मैथुन गद्दी बनाती है, और मेढकी को क्लोएका में वो क्या करता है, जनन करता है, और उसके बाद में उसको अंडे जब निकालती है मेढकी ना, उसमें मेढक क्या करता है, उस निकाल देता है, और वो जो है वही प्रक्रिया निषेचन कराती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपसे लैंगिक जनन की, तो बच्चों देखो ऑलरेडी क्या जो सेक्स क्रिया होती है एडल्ट होती है ना, बताया था आपको कि महिलाओं में जब यमसी पहली बार आती है तो रजोदर्शन कहते हैं, और 11 साल की उम्र में लड़कियों में आती है, और लड़के 13 साल में सेक्स करने लायक उनमें
निकलने लगता है, उनका सेवन निकलता है, बीज निकलता है। तो मेल में 2n, तो मियोसिस जब होती है बच्चों, और फीमेल में 2n ओवम, यन निकलता है। बताया थे आपको कि ऑलरेडी जो ओवरी होती ना वो आपकी बादाम की सेप की होती है, और ओवरी दो होती है उसमें से एक एक अंडे बाहर निकलते हैं, किसके दौरान, यमसी, मासिक चक्र बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो 28 दिन का चक्र चलता है बच्चों, लड़कियों में चलता है, और इसमें 14वें दिन के आसपास अंडोसर्ग होता है, और 14वें दिन सेक्स क्रिया नहीं करना चाहिए, नहीं बच्चा रुकने के चांसेस रहते हैं। 14वें दिन के आसपास, यानी 2-4 दिन आगे और 2-4 दिन पीछे सेक्स नहीं करना चाहिए। और आपको बता दें कि ऑलरेडी क्या है इसमें, कि इसमें जो प्रक्रिया होती है, एडल्ट हो जाते हैं, तो इसमें से मियोसिस जो बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, हमने पढ़ाया आपको कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज वैज्ञानिक फार्मर और मुरे ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज वैज्ञानिक फार्मर और मुरे ने किया था, और यह जनन कोशिकाओं में पाया जाने वाला विभाजन है, और यह एक जटिल प्रकार का विभाजन है, इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, है ना। और मियोसिस दो स्टेज में पूरा होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। और एक फार्मूला हमने बनाया है बच्चों, लगान पिक्चर डीडी मेट्रो पर चटाई बिछाकर देखो, मैट माने चटाई बिछाकर देखो। तो बताया हमने आपको मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है ये दो भाग में पूरा होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो इसमें सबसे बड़ी प्रोस्था आई है आपकी एग्जाम में, कि मियोसिस की सबसे बड़ी प्रोस्था क्या है, तो बताएंगे प्रोफेज। प्रोफेज में बच्चों बहुत बड़ी प्रोस्था है इसकी, और इसमें 5 स्टेज होती हैं, लिप्टोटीन, लगान पिक्चर ना, लिप्टोटीन, जायगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है बच्चों। और फिर होता है मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज, इतनी हेडिंग है इसमें, और ये मियोसिस की पहली अवस्था है। और इसके बाद जब इसमें एक कोशिका से दो कोशिका जब बन जाती है ना, तो मियोसिस सेकंड अवस्था आती है, कौन सी अवस्था आती है, मियोसिस सेकंड अवस्था आती है। और सेकंड में बच्चों आता है लगान पिक्चर डीडी मेट्रो पर, तो पर से हो गया बच्चों प्रोफेज, और प्रोफेज कैसा, सेकंड, एक ही अवस्था होती है इसमें, एक स्टेज होती है प्रोफेज सेकंड, उसमें क्या थी, 5 थी, तो प्रोफेज सेकंड। फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और इसमें बच्चों एक क्वेश्चन आया है आपका नीट में आया है, कि मियोसिस सेल डिवीजन में एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती है, तो आप बताएंगे 4 कोशिका, यानी कि 1 सेल इज डिवाइडेड इंटू 4 डॉटर सेल, यानी एक कोशिका 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक बच्चों। इस तरह से हमारा मियोसिस सेल डिवीजन है। और जब लड़कियों में एमसी आता ना, मासिक चक्र आता है, तो उसमें मियोसिस फर्स्ट ही होती है, अगर उनमें उस समय कहीं सेक्स करवा लें या सेक्स हो जाए, जनन क्रिया जब हो जाती ना, तो मियोसिस सेकंड शुरू होता है, तो ये मियोसिस फर्स्ट स्टेज है बच्चों, ठीक है भैया। तो इसमें देखते हैं हम लोग, तो ये स्पर्म यन आया, और आपका ओवम क्या हो गया, यन हो गया। स्पर्म माने पुरुषों में निकलता है, ओवम महिलाओं से निकलता है, तो ये जब दोनों मिलेंगे ना, गैमिट बनेगा, क्या बनेगा, गैमिट, तो यन यन क्या हो गया, 2n हो गया। तो ये फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, और निषेचन के बावजूद क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, और जब जायगोट बनेगा ना, तो उसका जब विकास हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं डेवलपमेंट या एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण के विकसित होने की प्रक्रिया को भौणिक विकास या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और उसके बाद बच्चों माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, यानी अंगों का निर्माण होता है, और आस्तरिंग में 2n हो जाता है ना। इस तरह से एक बच्चा जो है गर्भ में 72 घंटे बाद वो गर्भ में जाके वहाँ पे जुड़ जाता है, और महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आपका है, और आपको बता दें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है बच्चों, और एक खाली पेज लेते हैं तो बताते हैं आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह का होता है बच्चों, और पहला होता है उगैमस, आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस। दूसरा होता है एन आइसोगैमस, और तीसरा होता है आपका उगैमस, ठीक है ना।
तो आइसोगैमस में क्या होते हैं कि जब इसमें मेल और फीमेल के गैमेट जब होते हैं ना, तो अंडाणु और शुक्राणु बराबर होते हैं, तो आइसोगैमस। जब बराबर नहीं होते तो आइसोगैमस, और जब बराबर अंडाणु निकलते हैं तो उगैमस। ठीक है ना, इस तरह से होता है। बताएंगे रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाएंगे डिटेल। तीसरा बच्चों, ये हमारा लैंगिक जनन है। तो हमने आपको तीन प्रकार के जनन पढ़ा दिया, आपका वर्धी जनन, और दूसरा हमने बताया आपको अलैंगिक जनन, और तीसरा बताया बच्चों आपको लैंगिक जनन, है ना। तो इस तरह से है आपका। अब आपसे बात करते हैं बच्चों, तीसरी स्लाइड जो आपकी है, इस तरह से देख सकते हैं आप इसको। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए आपको लिखा है। अभी हमने याद करने के लिए हमने कह दिया, थोड़ा सा बोल रहे हैं। तो जीवों की दैहिक कोशिकाओं, दैहिक माने शरीर कोशिकाएं। देखो जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है हमारी, वो हाथ पैर में होता है, यानी कि शरीर में होता है। जननी कोशिकाओं सेक्स कोशिकाएं होती हैं, जो जनन बच्चा पैदा करने में काम आती हैं, और कायिक कोशिकाएं शरीर बनाने काम। जैसे कोई लड़की खा खा के मोटी होती जा रही है ना, तो उसमें कौन सा हो रहा है? उसमें आप बताइए कि उसमें ऑलरेडी क्या है, कायिक जनन हो रहा है, अर्थात तो माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। और कोई व्यक्ति है बहुत बच्चा पैदा कर रहा है ना, विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता है चिली एल्विना की तरह से, है ना। चिली एल्विना का नाम सुने आप लोग? अरे चीन की महिला है, 55 साल में 56 बच्चा पैदा करके विश्व रिकॉर्ड बनाई है यार, वही तो है। तो बच्चों इसमें दैहिक कोशिकाएं और जननी कोशिकाओं की बात करते हैं आपको। तो चलिए देखते हैं टॉपिक बच्चों, तो कॉलम बना लीजिएगा, एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो जीवों में सामान्य और जंतु वैज्ञानिक नाम, हमने बताया ना कि इस पर एक वीडियो पड़ा है जिसमें आपके लगभग 55 से 55 जंतु के और 50 पौधे के वैज्ञानिक नाम दिए गए, बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, और कुछ का हमने क्लासिफिकेशन बताया है। तो यहाँ बच्चों उसकी जरूरत नहीं समझ रहे हैं, आप वीडियो को देखिएगा, जाइएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। और बच्चों अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसको जो है लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करिए आप लोग, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए जरा बात करते हैं, एक बार आपको बता दें मनुष्य की बात करते हैं ना, तो आपको पता ना मनुष्य में, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है बच्चों? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। क्या नाम है? होमो सेपियंस, है ना। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस, अर्थात सोचने वाला मानव। इसमें दैहिक कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। और युग्मकों की संख्या की बात करेंगे तो इसमें होता है 23 जोड़ी। कितना होते बच्चों? 23 जोड़ी। फिर बात करते हैं कुत्ते की, तो कुत्ते में जो होता है वो आपका 78 गुणसूत्र होते हैं, और इसका आधा कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना? 39 गुणसूत्र। फिर बिल्ली कहते हैं ना, कुत्ती कुत्ता हो गया कैलिस फैमिलेरिस, है ना, जो हमारी फैमिली में रहता है। और बिल्ली कहाँ रहती है भैया? फेलिस डोमेस्टिका कहते हैं, घरेलू बिल्ली होती ना। अरे आप लोग की मौत से यार। तो इसमें 38 गुणसूत्र होते हैं, और बच्चों दैहिक गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है, और इसका जब युग्मक गैमेट बनाएंगे ना तो गुणसूत्रों की द्विगुणी संख्या करेंगे, यन में आधा करेंगे, 2n तो आपका 38 हो गया, और यन कितना आ गया? 19 आ गया। घरेलू मक्खी बच्चों मास्का डोमेस्टिका कहते हैं, घरेलू मक्खी तो जानते हैं, इसकी तुलना एटम बम से की गई है, रमेश गुप्ता ने किया है। घरेलू मक्खी एटम बम से कम नहीं है, खास बात है कि कोई रोग इससे होता नहीं है, रोग फैलाने का काम करती है ना, जितने भी रोग फैलाती है ये मक्खी फैलाती है। और इसमें जो है आपके गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 24 होती है, और इसमें युग्मों की संख्या कितनी? 12 होती है, ठीक है भैया। और अगला है चूहा रेटस रेटस, और इसमें बता दें आपको 42 दैहिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 42 होती है, और इसमें जो है 21 आपके युग्मक बनते हैं यन। और फिर बता दें आपको कि इसके बाद बता दें आलू की बात करें, सोलनम ट्यूबरोसम, तो इसको बोलते हैं सोलनम ट्यूबरोसम, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 48 होती है, और यन कितना? तो 24 होता है। चावल की बात करते हैं बच्चों, चावल बताते हैं उस दिन ओराइजा सेटाइवा, चावल में क्या खाते हैं? भ्रूणपोष, तो ओराइजा सेटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है चावल का। और इसमें 2n कितना होता है? 24 होता है, और n की संख्या बात करें कितना आएगा आपका? 12 आएगा, है ना, तो 12 आएगा, ठीक है ना, तो 12 हो जाएगा चावल में। और कबूतर जानते हैं? कोलम्बा लेविया, इसमें 80 गुणसूत्र होते हैं, पक्षी वर्ग का है कबूतर, जानते हैं, बड़ा प्यारा होता है, शांति का दूत है कबूतर। और कबूतर के बारे में एक नया तथ्य बता दें आपको कि कबूतर जो होता है ना, इसमें नर मादा होती है, कबूतर की कबूतरी होती है ना यार, कबूतर बोले कबूतरी से, तो नर मादा होते हैं, एकलिंगी प्राणी हैं।
और जो कबूतर होता है ना, जो नर कबूतर होता है, वो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। क्या करता है? दूध पिलाता है। तो दूध पिलाने के बाद उसमें एक अंग होता है, उसका नाम होता है कार्प। क्या नाम होता है? कार्प। तो आप पूछ सकते हैं ना कि कौन सा नर है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, तो उसमें आपका जवाब होगा कबूतर, और कबूतर में पाया जाता है कार्प, अपने बच्चों को दूध पिलाता है। अगला बच्चों, मीठी मटर है ना, और आपने पढ़ा मीठी मटर का पाइसम सटाइवम या लेथरस ओडोरेटस। और बच्चों मीठी मटर पर ही यानी गार्डन मटर पर ऑलरेडी अपना प्रेडिकल किया था, यानी कि अनुवांशिकता के नियमों की खोज किया था। और मटर में 14 गुणसूत्र होते हैं 2n बराबर। अगर बच्चों 2n बराबर आपका 14 हो गया ना, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 14/2, तो 2 × 7 = 14, यानी 7 गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक भैया, सेब की बात करें तो मैलस सेल्वेस्ट्रिस, सेब तो जानते हैं आप लोग, और सेब के बारे में जानते हैं ना, ये झूठा फल है, सत्य फल नहीं है। फल दो तरह के होते हैं, एक सत्य फल एक असत्य फल। तो वे फल जिनका निर्माण भ्रूण के माध्यम से, अंडाशय के माध्यम से होता है, वो सत्य फल कहलाते हैं। ऐसे फल जो अंडाशय से उत्पन्न होते हैं वो सत्य फल कहलाते हैं, और ऐसे फल जो थैलमस से, कैलेक्स से या अंडाशय के अतिरिक्त किसी और भाग से बनते हैं उसको हम असत्य फल कहते हैं। ठीक भैया, तो सेब आपका असत्य फल है, सेब है, नाशपाती असत्य फल है। और सत्य फल क्या है? आम है आपका, केला है, संतरा है, ये सब चीजें हैं। आप भी फल एक प्रकार से है ना, सेब आपका ये, इसमें 34 होता है, 34 का आधा कितना हो गया? 17। फिर बच्चे गेहूं की बात करें, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या? ट्रिटिकम वल्गेरिस। और इसमें 42 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र भैया? 42। और गेहूं को जानते ना, गेहूं कहाँ की फसल है? इंडिया की है, इंडो चाइना क्षेत्र में गेहूं होता है ना, यानी गेहूं को भारत के लोगों ने दिया दुनिया को। आज जो दुनिया रोटी खा रही ना, उसकी जिम्मेदार क्या हो ना, भारतीय लोग हैं। भारत के लोगों ने गेहूं खोज किया और आज दुनिया खा रही इसको। और आपके ऑप्शन में इंडो चाइना देता है, तो कभी कभी चाइना के भी क्षेत्र देता है। तो 21 गुणसूत्र होते हैं, 42 का आधा करो 21 हो जाएगा। और इसके बाद बच्चों बात करते हैं, गेहूं के बाद आता है मक्का, जी मजाई कहते हैं, और इसमें 40 गुणसूत्र होते हैं, और 2n बराबर 40 है बच्चों, तो आप निकाल लिया करिए 2n बराबर कितना है? 40 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 40/2, तो 2 × 2 = 4, अर्थात 20 आएगा। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका ये है, आपका एक स्लाइड हम दे देते हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, नहीं कहेंगे स्लाइड नहीं लेने देते। इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन है। और अब वक्त आ गया है एक छोटे सा टेस्ट की, क्योंकि पढ़ना जितना जरूरी उतना टेस्ट भी देना जरूरी है। और बच्चों आपका जो हम 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखते हैं, और आप लोग प्लीज़ इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आपको ऐसे वीडियो रोज चाहिए जीव विज्ञान, केमिस्ट्री और जीएस से संबंधित, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन की, है ना, तो एक सादा पेज लेते हैं, तो उसमें आपसे क्वेश्चन की बात करें, है ना। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि जनन किसे कहते हैं, है ना, व्हाट इज रिप्रोडक्शन या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा क्वेश्चन बच्चों कि जनन कितने प्रकार का होता है, यानी हाउ मेनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट। जनन कितने प्रकार का होता है। अगला, वर्धि जनन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, वर्धि जनन की प्राकृतिक विधियों के प्रमुख नाम लिखिए, है ना। अगला, वर्धि जनन की कृत्रिम विधियों के प्रमुख नाम बताइए। अगला क्वेश्चन बच्चों, गुलाब में किस विष से जनन क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, आलू में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, स्पायरोगायरा में किस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी स्पायरोगायरा में क्लोरोप्लास्ट किस आकार का होता है। पावर ऑफ। अगला बच्चों कि यूलोथिक्स में किस प्रकार का
क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2N और N। अगला थोड़ा बढ़ा लेते हैं बच्चों स्पेस है। गेहूं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? अगला, गेहूं की उत्पत्ति किस देश से हुई है? अगला, नई दुनिया की कौन सी फसल है जो आज पूरी दुनिया में सब्जी का प्रमुख साधन हो गया है? अगला बच्चों, लैंगिक जनन की प्रमुख विधियों के नाम बताइए। अगला, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2N और N अलग अलग बताना है। अगला, मेढक में जनन के लिए कौन सा अंग होता है? तो बच्चों इस तरह से आपका है और आपने आपको ये वीडियो जो है जनन के लिए दिया है। अगर आपके लिए बच्चों वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसको जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक बच्चों, इसी के साथ हम अपना ये वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।